एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को रिहा कर दिया गया है। कल ही रिहा किया जाना था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई थी। प्रियंका के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अब रिहा किया जा रहा है, लेकिन उनसे माफीनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। आपको याद दिला दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि उनकी रिहाई होनी चाहिए और जो माफी की शर्त पहले लगाई गई थी वो भी अदालत ने बाद में हटा ली थी कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्रियंका शर्मा को। लेकिन अब उनके वकील कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई में देरी हुई है और इसी को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आज की, कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हिंसा के बाद दिल्ली तक संग्राम हो रहा है। कोलकाता में हिंसा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं, तो अमित शाह ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि वो FIR से डरने वाले नहीं है और देश में कहीं नहीं सिर्फ बंगाल में हिंसा क्यों होती है। अमित शाह ने कहा कि 23 मई के बाद TMC का अंत शुरू हो रहा है और रोड शो के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि 3 जगहों पर हमला किया गया। अमित शाह ने कहा कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती तो उनका बचना मुश्किल था। तो जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का मौन प्रदर्शन इस वक्त जारी है और वहीं से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहीं बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, दोनों ही सहयोगी हमारे साथ हैं। तो मनीष, सबसे पहले तो मौन प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, विरोध दर्ज करने की कोशिश और ये कहने की कोशिश इस मौन के जरिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है पश्चिम बंगाल में। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमित शाह ने जोरदार हमला बोला है ममता सरकार पर। बिल्कुल मीमांसा, बीजेपी पूरे देश भर में इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रही है। खासतौर पर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ अगर हमारे पीछे देखें तो बीजेपी से जुड़े तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं या डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, विजय गोयल हैं, निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर, और उसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ स्टेज पर इस वक्त हैं और सभी के हाथ पर अगर आप देखें तो सभी ने अपना प्रोटेस्ट के तौर पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया हुआ है, मुंह पर उंगलियां रखी हुई हैं और काली पट्टी बांधे हुए हैं। किसी ने अपने सिर पर पट्टी बांधी हुई है और किसी ने अपने हाथों पर पट्टियां बांधी हुई है और इन सभी के हाथ में अगर आप देखें तो तमाम तरीके के बोर्ड हैं, सेव बंगाल, सेव डेमोक्रेसी, और इस तरीके से लगातार यहां पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल हमने देखा कि जैसे अमित शाह के रोड शो में हंगामा हुआ, वायलेंस हुआ और उसके बाद जहां पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए थे पुलिस ने उल्टा ही FIR दर्ज कर दी अमित शाह के खिलाफ, तो कहीं यह मामला रुकता नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से पहले भी आरोप लगते रहे, बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया कि जो पुलिस है बंगाल की वो TMC की पुलिस बन गई है और जिस तरीके से FIR दर्ज किया जा रहा है और पहले से इनपुट थे कि अमित शाह के रोड शो में इस तरीके का वायलेंस हो सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि TMC के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कई दिनों से इस तरीके से हिंसा हो रही है। मनीष शुक्ला, मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले हम सुना देते हैं दर्शकों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इस हिंसा के लिए सीधे सीधे उन्होंने ममता सरकार को दोषी ठहराया है। अमित शाह ने और क्या क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर जल्दी से एक नजर। अभी अभी समाचार मिला कि मुझ पर FIR दर्ज की है। ममता दीदी, आपकी FIR से हम बीजेपी वाले नहीं डरते हैं। मुझ पर तो सिर्फ आपने FIR करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका है। अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि मुझ पर FIR कर 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता और जुनून के साथ और जोश के साथ और आक्रोश के साथ आपको हटाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। आप 23 तारीख तक का राह देखिए ममता दीदी, आपके दिन समाप्त हो।
और ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म, बीजेपी तो इस हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है और वहीं टीएमसी गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और इसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच वीडियो वॉर शुरू हो गया है। वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं टीएमसी की ओर से भी और तस्वीरें जारी की जा रही हैं बीजेपी की ओर से भी। चलिए ब्रह्म, मैं आपको रोक रही हूं दो मिनट और आपसे थोड़ी देर पहले हमने जानकारी दी थी प्रियंका शर्मा के बारे में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सपोर्ट किया और सबके लिए बहुत आभारी हूँ, पार्टी का बहुत आभारी हूँ, ओम प्रकाश सिंह के लिए बहुत आभारी हूँ। कल मेरा बेल हो चुका था फिर भी मुझे रखा गया 18 घंटे तक जेल के अंदर। मैंने बहुत बार बोला उन लोगों को, आज भी उन लोगों ने मुझे जब बाहर लाए मैंने बहुत बार बोला कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स और मुझे मेरे एडवोकेट से बात करने दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने मेरा बात को नहीं माना और मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझसे माफीनामा को साइन करवाया गया। क्योंकि आज मैंने एक सीएम का जस्ट एक नॉर्मल मेमे को मैंने पोस्ट किया जिसके वजह से आज मेरे को कस्टडी में रखा गया 5 रात तक, तो ये कहाँ का एक स्वाधीनता है। आज इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं, वो लोग के लिए कोई कुछ नहीं, लेकिन एक नॉर्मल पोस्टिंग के लिए मुझे 5 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा, तो क्या टीएमसी के खिलाफ अगर कुछ भी कोई बोलेगा सबको मारेंगे पीटेंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो यही मेरा मेन चीज है कि जो भी हो रहा है यहाँ का गवर्नमेंट बहुत ही गलत कर रहे लोगों के साथ। एक छोटा मोटा पोस्टिंग के लिए जब वो लोग इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं तो और भी सोचे कार्यकर्ता को कितना मार रहे, कितना थ्रेट कर रहे, तो ये सब क्या हो रहा है। लोग तो देख रहे, लोग तो डर रहे घर से बाहर निकलने, क्यों टीएमसी के लिए क्या सब कुछ क्या छूट है, और हम बीजेपी करते इसलिए हमको मतलब इस चीज के लिए जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, किस वजह से। और मैं इस चीज के लिए कोई माफी नहीं मांगूंगी, ये केस मेरा चल रहा है और इसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगना पड़े। जी बिल्कुल, नहीं मैंने बोला मुझे बात करने दिया जाए, मुझे बात करने नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है आपको रिटर्न अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी, तो क्या आप उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बेल होने के बाद, उसके पहले नहीं। और ये वाला अभी जुलाई तक ये मामला चलेगा, उसके बाद मुझे साइन करना था या जो भी करना था, लेकिन उसके पहले नहीं। लेकिन उन लोगों ने मुझे सामने बैठा के जबरदस्ती लिखवाया कि ऐसा ऐसा आप लिखो फोर्सफुली। तो सुप्रीम कोर्ट की रिहाई के आदेश के बावजूद 18 घंटे जेल में रखा गया, माफीनामे पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए, ये कहना है प्रियंका शर्मा का। आपको याद होगा कल ही रिहाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि वो इस मामले को यहीं नहीं छोड़ने वाली, आगे लेकर जाएंगी, लड़ेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जब।